प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यानी प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देता है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट बाय मेंटेनिंग ए क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोडक्टिविटी एक मेजरिंग स्केल है जो प्रोडक्शन रेट को डिफाइन करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट प्रोडक्टिविटी कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो किसी प्रोडक्ट के पर यूनिट ऑफ इनपुट से हमें जो आउटपुट मिलता है उसके रेशियो को उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी एक वैल्यूएबल फैक्टर है जो प्रोडक्ट की वैल्यू को डिफाइन करती है। प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस्ड पर प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है। ये थी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के रिलेशन की बात। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के पिलर्स के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन के चार मेन पिलर्स हैं जिन्हें 4M कहते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। प्रोडक्शन इन चार पिलर्स पर डिपेंड करता है। यानी जितना बेहतर आप 4M को यूटिलाइज करेंगे आपको प्रोडक्टिविटी उतनी ही बेटर मिलेगी। प्रोडक्शन में 4M को एज ए रिसोर्स कंसीडर किया जाता है और प्रोडक्शन इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। नाउ लेट अंडरस्टैंड 4M। सबसे पहले हम फर्स्ट पिलर की बात करते हैं, मैन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन पावर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है। अगर मैं इसे लीन मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज में कहूं तो द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन इज ए श्योर बेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। यानी किसी भी प्रोसेस में राइट पर्सन को राइट पोजीशन वर्किंग स्किल्स के अकॉर्डिंग प्लेस करना उस प्रोसेस की इफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। एक स्किल मैनपावर को आइडेंटिफाई करना किसी बिल्डिंग के बेस बनाने जैसा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक स्किल बेस्ड मेथड है। आई होप प्रोडक्शन का फर्स्ट पिलर आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पिलर की, मशीन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मशीन का सिलेक्शन, मशीन का आउटपुट चेक करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज कंसीडर्ड एज ए पिलर ऑफ प्रोडक्शन। मशीन का सिलेक्शन करना एक इफेक्टिव टास्क है जिसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। फर्स्ट, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। यानी मशीन में हम किस टाइप के ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड, आउटपुट रेट ऑफ मशीन। यानी मशीन का आउटपुट कितना है। थर्ड, टाइप ऑफ टूल रिक्वायर्ड। यानी कि मशीन में लगने वाले कंज्यूमेबल आइटम्स। मशीन कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रोसेस की हो सकती है, चाहे वो CNC, VNC, इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रेस शॉप, ये डिपेंड नहीं करता, ये सभी पर अप्लाई करता है। इन सभी फैक्टर्स को मेंटेन रखते हुए हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं और प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। मशीन को इफेक्टिव ऑपरेट करने के लिए मशीन मेंटेनेंस चार्ट को रेगुलेट करते हैं, जिसमें हम शेड्यूल मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, चेक पीरियड्स को डिफाइन करते हैं।
यानी टाइम टू टाइम ऑडिट करते हैं ताकि मशीन इफिशिएंटली वर्क करती रहे। वेल, ये थी बात सेकंड पिलर की। नाउ मूव टू द थर्ड पिलर, मटेरियल्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मटेरियल को बेसिक इंग्रेडिएंट माना जाता है। मटेरियल का सिलेक्शन करना विद इन ए लेस टाइम इज मोर इफेक्टिव। मटेरियल की नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है फास्ट और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में। मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमें स्टडी करना होता है। टाइप ऑफ ग्रेड्स यूटिलाइज्ड, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना प्रोडक्शन इफिशिएंसी को एडवांटेज देता है। यानी शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मटेरियल की अवेलेबिलिटी चेक करना, मटेरियल को इंस्पेक्ट करना एक एरर फ्री प्रोडक्ट के लिए पिलर का काम करता है, जो कॉस्ट और टाइम दोनों को सेव करता है। Well, now move to the fourth pillar, method. Manufacturing process में method को समझना बहुत जरूरी माना जाता है। इस pillar के कुछ important factors हैं। First, sequence of operation. Manufacturing process में हमें process के sequence को understand करना बहुत जरूरी होता है। Sequence का मतलब क्रम या serial number से है। अगर आपको वर्कपीस में टैपिंग करनी है तो सबसे पहले ड्रिल करना होगा, देन आप टैपिंग करोगे, यानी डायरेक्ट टैपिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रोसेस में सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना एक स्किल है, जिसे इफेक्टिव प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव किया जाता है। सेकंड, टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। यानी कि ईज ऑफ ऑपरेशन, इस फैक्टर में हम ऑपरेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। यानी एक प्रोडक्ट को कई मेथड से बनाया जा सकता है, बट हम सिंपल मेथड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट की मशीनिंग हम लेथ मशीन से कर सकते हैं और उसी प्रोडक्ट को हम सीएनसी मशीन से बना सकते हैं। लेथ मशीन में प्रोडक्ट को बनाने में 2 to 5 hours लगते हैं, वहीं सीएनसी मशीन में 5 to 10 minutes में हम उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं। इस कंडीशन में हम सीएनसी मशीन को चूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टाइम को मनी कंसीडर किया जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई द इंडस्ट्री दैट फॉलोज लीन आर ग्रोइंग फास्टर एंड हायर ग्रोथ। लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड इलिमिनेट द वेस्ट। Well, this is all about the production process and productivity.
ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।